नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे हाईटेक भूत, जो कि एंथोनी और गमराज की 2-in-1 विशेषांक है। और इसका पहला और दूसरा पार्ट मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। पहले और दूसरे पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 40 पेज तक कवर कर लिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे कहानी को शुरू करते हैं। तुम लोगों के कर्म अच्छे नहीं थे, इसलिए तुम धरती पर भूत योनि में रहने को विवश हो। ये नियम भी नहीं बदला जा सकता। तुम जिस हाल में हो, तुम्हें वैसे ही रहना होगा। तो फिर भूत एंथोनी को इतने अधिकार क्यों दिए गए हैं? वो भी तो मर चुका है, मगर वो अपने शरीर सहित कहीं भी आ जा सकता है। ये नियमों के विरुद्ध है। उससे भी ये फैसिलिटी छीनी जाए। उसको कुछ कारणों के वशीभूत होकर ये शक्ति कुदरत ने स्वयं दी है। मैं कुदरत के मामलों में टांग नहीं उड़ा सकता। मैं कुदरत के मामलों में टांग नहीं अड़ा सकता। लेकिन अगर तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आए, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आप अपने ही बातों में फंस गए, यमराज श्री। अब मैं समझ गया हूं, जब तक मेरा पृथ्वी पर समय पूरा नहीं हो जाता, आप मुझे यमलोक नहीं ले जा सकते। गमराज बेटे, इससे तो तू खुद ही निपट। मैं तो समझा था कि ये आपको देखकर डर जाएगा और अपनी हरकतों से बाज आ जाएगा। यमराज भी मुझसे घबरा कर भाग गए। अब तेरा क्या होगा गमराज धार, और तुम्हारा भी क्या होगा संकालू? अब हमें ही कुछ करना होगा। सबसे पहले तो हम लोगों को इस हाईटेक प्रहार से बचाना होगा, अन्यथा ये विद्युत तरंगों से लोगों को हमेशा के लिए इसी शमशान का वासी बना देगा। तुम दोनों हाईटेक भूत पोपटे कैट का सामना करना चाहते हो? गुरु, ये तो ताप किरने फेंक रहा है। मुझे शंका हो रही है कि कहीं ये हमारा जीते जी अंतिम संस्कार ना कर दे। तूने ठीक कहा लमड़े, मैं यही करने वाला हूं, क्योंकि धरती पर अब केवल भूत रहेंगे। और भूतों को शरीरों से क्या काम, इन्हें तो नष्ट करना ही होगा। ये लो आई छेद किरने। गुरु, अगर ये छेद किरने हमसे टकरा जाती तो शरीर में भी ऐसे ही होल हो जाते हैं। राम नाम सत्य है, इनका तो हो चुका है, अब तुम्हारा भी राम नाम सत्य है। अब यमुंडा को बुलाना ही होगा। यमुंडा, जरा इसे अपनी ताकत तो दिखा। स्वामी, ऐसा आदेश क्यों दिया? क्योंकि एक तो ये भूत है, दूसरे चटकाने के लिए इसके शरीर में हड्डियां भी नहीं है। फिर भी मैं कोशिश करता हूं। धा कंच। इस भैंसे को मैं हाईटेक पिंजरे में कैदी बनाऊंगा। इस पिंजरे की विशेषता यह है कि इसमें से शरीर तो शरीर की ऊर्जा भी बाहर नहीं जा सकती। ओह, यमुंडा फंस चुका है, क्योंकि गायब होते समय यमुंडा का शरीर ऊर्जा में बदल जाता है, और ये हाईटेक पिंजरा उस ऊर्जा को भी बाहर नहीं जाने देगा। स्वामी, इसने तो मुझे फंसा दिया। गुरु, ये शमशान घाट है। मुझे शंका हो रही है कि हम सबका अंतिम संस्कार यहीं पर आज ही हो जाएगा। इसे बोलो कम से कम मेरी बीवी को रोने का तो मौका दे। शमशान में तांत्रिकों का होना कोई आश्चर्य की बात नहीं होती। भूत हट, प्रेत हट, आजू हट, बाजू हट, ओम ही क्लीम। ये हाड़ मांस का शरीर नहीं है जिस पर तेरे तंत्र मंत्रों का असर होगा। इसलिए तो मैंने ऐसा शरीर चुना है। रोबो भूत ने ब्रूसली स्टाइल में एक जोरदार किक जड़कर तांत्रिक की हड्डियों को कीर्तन करने पर विवश कर दिया। साय आ खचा आ। गमराज, ये सब मेरे कारण हुआ। ना तो मैं खपती को यहां लाता, और ना ये सारा हंगामा खड़ा होता। जो तीर कमान से निकल गया, उसके बारे में अब क्या सोचना प्रोफेसर साहब? सोचना तो अब ये है कि इस मुसीबत से पीछा कैसे छूटे। अब तो मैं यमुंडा की मदद भी नहीं ले सकता, तो तुम्हें तो मैं तड़प तड़प कर मरने के लिए छोड़ जाऊंगा। स्क्रिस ऑफ।
अब मैं जाता हूँ इस पूरे संसार को शमशान घाट बनाने, जहां पर चारों ओर भूतों का राज होगा। अब ये सारी सुविधाएं भूतों को प्राप्त होगी जो तुम लोगों को प्राप्त थी। पोप्टो कैट खुद तो चला गया था, मगर गमराज को गंभीर संकट में छोड़ गया था। गुरु, ये कीले, टीन और टप्पर सब तुझसे आकर छिप आकर आकर क्यों टपक टकरा रहे हैं और चिपक रहे हैं? कपटी, रोबो ने हम पर चुंबकीय किरणें फेंकी थी, जिसे गमराज ने अपने शरीर पर झेल दिया है। हमारे खून में जो लौह तत्व होते हैं, वो इस चुंबकीय प्रभाव से चुंबकत्व में बदल गए हैं। हमारे शरीर में जो लौह तत्व होते हैं, वो इस चुंबकीय प्रभाव से चुंबक में बदल गए हैं। अब इसका शरीर एक पावरफुल चुंबक बन चुका है, जिससे लोहे की वस्तुएं आ आकर इसके शरीर से टकरा एवं चिपक रही है। इन भूतों ने तो नाक में दम कर दिया है, और ये स्थिति तो बड़ी भयंकर है। अगर लोहे की चीजें मुझसे ऐसे आकर टकराती रही, तो मैं कई टन लोहे के नीचे दब जाऊंगा। टन क्लैम फ्लम। नहीं गबराज, अब तुम जब तक ठीक ना हो जाओ यहीं पर रहो, क्योंकि यहां पर जितनी लोहे की चीजें थी, वो तुमसे आकर चिपक चुकी है। स्वामी, ये क्या हो रहा है? हाईटेक भूत तो हम सबको दम निकाले दे रहा है। प्रोफेसर साहब, यह समस्या आपकी ही खड़ी की हुई है। अब आप ही इसका कोई हल बताएं, वरना गुड़ू कबाड़ का एक बहुत बड़ा ढेर बन जाएगा। गमराज के रक्त में लौह तत्वों से चुंबकीय प्रभाव खत्म करने का एक ही तरीका है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, यानी इसके शरीर का सारा रक्त बदल दिया जाए, या फिर इसके शरीर का रक्त लपाता का शिकार बना दी इसके शरीर को रक्त लपाता का शिकार बना दिया जाए, और इसके शरीर में नया रक्त प्राकृतिक रूप से बनने दिया जाए। और यही दूसरा तरीका मुझे अधिक कारगर लग रहा है। मगर रक्त लपाता का शिकार बनने के लिए मुझे क्या करना होगा? तुम अपना कुछ रक्त रेड क्रॉस सोसाइटी में जरूरतमंदों के लिए दान कर सकते हो। मेरे वहां जाना तो असंभव है, आप रेड क्रॉस वाले को यहीं पर बुलवा लो। ठीक है, मैं रेड क्रॉस वाले को फोन कर देता हूं। जल्दी, रेड क्रॉस वाले आ गए हैं। इस बंदे का खून निकालना है। ठीक है, कुल्हाड़ी लाओ। क्या? अबे, क्या सिर काट कर खून निकालेगा? नहीं, हाथ की नस ढूंढने के लिए ये कबाड़ तो हटाना ही पड़ेगा, है ना? टनाक। फिर जल्दी, गुरु, तुम्हारे शरीर से लोहे का सामान छूट रहा है। गुड, इसका मतलब रक्त से चुंबकीय प्रभाव हट रहा है। शंखालू, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मेरे प्राण भी बस छूटने ही वाले हैं। इस समस्या का एक कारण एंथोनी भी है। शंखालू, तेरी उस क्रो फैमिली से मिलना पड़ेगा, जिसने एंथोनी को बुलाकर तेरी मदद की थी। समय सारणी के मुताबिक एयरपोर्ट से दिल्ली का प्लेन छूटने में अभी विलंब था। जल्दी करो, दिल्ली का प्लेन लगने वाला है। सीढ़ी की मरम्मत अभी अभी भी पूरी नहीं हुई है। पैसेंजर प्लेन में चढ़ेंगे कैसे? और ऐसा एयरपोर्ट अथॉरिटी के इतिहास में पहली बार हुआ था कि प्लेन समय से 1 घंटा पहले ही आ गया था। दिल्ली जाने वाले पैसेंजर, कृपया ध्यान दें, यात्री तुरंत हवाई जहाज में पहुंचे। जो यात्री समय से पहुंच गए थे, उन्हें इंतजारी से छुटकारा मिल गया था। दिल्ली, 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 वहां से कुतुब मीनार कितने दूर है? धक्के से जाओगे तो ऊपर से ज्यादा दूर नहीं है, नीचे से चढ़कर जाना पड़ेगा। यांत्रिक सीढ़ी ठीक नहीं है। यांत्रिक सीढ़ी ठीक नहीं हुई, इसलिए डंडे वाली सीढ़ी लानी पड़ी। असुविधा के लिए खेद है। ये वाली सीढ़ी से प्लेन में चढ़ने के लिए 2 रुपए प्रति पैसेंजर देते जाना। विमान टेक ऑफ कर गया। अरे, मैं छूट गया। प्लेन रोको। तुम किस्मत वाले हो जो तुम्हारा प्लेन छूट गया, क्योंकि वो प्लेन बिना पायलट के उड़ा है। क्या? वैसे तो लोग भी वहीं पहुंचेंगे जहां मैं तुम्हें बिना प्लेन के ही भेजूंगा। नहीं, अब हम तुझे भेजेंगे। धाड़। अरे, तुम लोग यहां कैसे आ गए? और ये भैंसा मेरी उस कैद से कैसे छूट गया? आ!
तूने जिस रोबोट पर कब्जा कर रखा है उसमें लगे यंत्रों के कारण तू उसके निर्माता प्रोफेसर मेंटल की निगाहों से नहीं छुप सकता। रहा सवाल इस भैंसे की कैद का, तो तूने उसे दाएं बाएं आजू बाजू और ऊपर से तो कैद किया था, मगर नीचे सड़क होने के कारण तू उसे उस तरफ से कैद करने से चूक गया। हमने इसे सुरंग खोदकर उसी रास्ते से बाहर निकाल लिया। इन सब बातों से तुमने अपने आप को थोड़ी देर के लिए भले ही अकलमंद साबित कर लिया हो, मगर यहां आकर तुमने अकलमंदी नहीं की। जैसे बिना पायलट के उस विमान में बैठे पैसेंजर नहीं बचेंगे, वैसे ही अब तुम भी नहीं बचोगे। यमुंडा, प्लेन के पैसेंजरों को अब तू ही बचा सकता है। जो आज्ञा स्वामी, मगर तुम लोग नीचे तो उतरो। तब जल्दी जा यमुंडा। यमुंडा ने प्लेन का दरवाजा खटखटाया। कौन है बाहर? उड़ते हवाई जहाज का दरवाजा बाहर से कौन खटखटा रहा है? विमान का दरवाजा खुलते ही सबकी बांछें खेल गई। बाहर हेल्प आ गई है, यानी एक और विमान। मगर ये कैसा विमान है? इसकी तो छत भी नहीं है। ये यमुंडा एयरलाइंस का विमान है, जल्दी से कूद जाओ। यात्री एक एक करके यमुंडा एयरलाइंस के विमान में कूदते चले गए। चालक फाइटर प्लेन की छत भी प्लेन में बैठने के बाद ही अपने ऊपर सरका लेता है। ये उसी किस्म का इमरजेंसी विमान लगता है। इसमें इंजन की आवाज नहीं आ रही है। तू तो बड़ा बहादुर है, तो तुझे ऐसी हालत में भी कोई आवाज सुनाई नहीं पड़ रही है? मैंने तो जब से अपने आप को बिना पायलट के विमान में पाया है, मुझे तो बस मौत की आवाज सुनाई पड़ रही है। देखा, हम जैसे ही अंदर आ गए प्लेन की छत आ गई। अरे, कोई ककपीट में झांक ले, इसमें पायलट तो है ना? इसमें भी पायलट नहीं है। यमुंडा को उन्हें आश्वस्त करना पड़ा। कृपया घबराए नहीं, ये ऑटो पायलट इमरजेंसी प्लेन है जो बिना पायलट के ही चलता है। आप सभी सुरक्षित हैं। अब आप अपनी सीटों पर बैठकर सीट बेल्ट बांध दें। कुछ ही देर में आप सुरक्षित लैंडिंग करेंगे। गमराज यमुंडा की कामयाबी पर खुश था। पोप्टो कैट और रोबो भूत, तो देख, विमान यात्रियों को तो हमने बचा लिया, मगर अब तू खुद को नहीं बचा पाएगा। तुम्हारी ये मजाल कि तुम मुझे धमकी दो। धमकी देने का कारण मौजूद था, धार, और वो कारण था प्रिंस। प्रिंस के साथ तो एंथोनी आता है। ये कौन आ गया? एक और रोबो भूत? इसे प्रोफेसर साहब लाए हैं। संकालू, बहुत उत्पात मचाया तूने, अब तू शांत होकर बैठेगा। मैं तो तेरी शांति भी भंग कर दूंगा। मुझसे ज्यादा ताकत नहीं होगी तुझमें, अभी पता चल जाएगा। ये क्या? पोप्टो कैट, ये वही हाईटेक किरने हैं जिनसे तूने यमुंडा को कैद किया था। अब इसमें ना तो तेरा शरीर बाहर जा सकता है और ना कोई ऊर्जा। आत्मा भी ऊर्जा का ही एक रूप है, इसलिए अब तू बन गया हमेशा के लिए कैदी। नहीं, तू कहता था कि कुदरत ने एंथोनी को सशरीर कहीं भी आने जाने के अधिकार क्यों दिए? इसलिए ताकि वो तेरे जैसे शैतानों पर काबू पा सके। वो मददगार है पोप्टो, और मददगार को कोई नहीं मार सकता। उसकी आयु लंबी होती है, वो अमर होते हैं, मगर मुझे तो इस रोबो ने पकड़ा है। हाँ, इसमें एंथोनी ही है। दरअसल तुम्हें इसी ऊर्जा से कैद किया जा सकता था जिसमें तुमने यमुंडा को फंसाया था, मगर रोबो को चलाने के लिए ऊर्जा की जरूरत थी। ऊर्जा दी एंथोनी ने। धन्यवाद एंथोनी। धन्यवाद कैसा, ये तो प्रिंस की रिश्तेदारी का मामला था। हाँ, संकालू के इन्हीं दोस्तों के जरिए तो मैंने तुम्हें यहां बुलवाया है। तू ना भी बुलवाते तो भी मैं आता। जुल्म करने की इजाजत किसी को नहीं दी जा सकती है, चाहे वो इंसान हो या भूत। एंथोनी ठीक कहता है। इसी के साथ ये कहानी यही खत्म होती है। तो मिलेंगे आपसे एक और नई कॉमिक्स में, तब तक के लिए बाय। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर देना, और जहां इस वीडियो की जरूरत हो वहां इसको शेयर जरूर कर देना।